हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, जो कि है रियल नंबर्स। अब तक हमने एचसीएफ, एलसीएम, इरेशनल नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। बहुत सारी चीजें अपने अभी तक डिस्कस कर ली थी, तो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट अपने को रिवाइज करना बचा है। रिवाइज इनफैक्ट ये डेसिमल एक्सपेंशन जो बचा है वो ऑलरेडी तुमने 9th स्टैंडर्ड या फिर थोड़ा बहुत 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आज, रिविजन करने वाले, ठीक है। क्योंकि आगे हर जगह यूज होने वाला है डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो एक बार रिवाइज करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या थे। सपोज कोई भी नंबर को तुम डिवाइड करते हो, जैसे कोई भी रैशनल नंबर है, मान लो 2/5, तो 2/5 की अगर वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू कितनी आएगी, अगर डिविजन करके निकालोगे लॉन्ग डिविजन से, तो इज इक्वल टू 0.4 आता है। तो ये जो 0.4 है, जो पॉइंट वाला जो केस है, इसको बोलते हैं डेसिमल्स। होपफुली सबको ये पता ही होगा, ठीक है। तो डेसिमल जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन अपन पढ़ने वाले की क्या क्या चीजें होती है, उसमें कैसे टाइप के डेसिमल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में क्या है। तो बेसिकली दो नंबर्स के बारे में डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो है रैशनल नंबर, जो कि हमने पढ़ा है, और एक है इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स में डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप के होते हैं, इरेशनल नंबर्स में डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप के होते हैं, वो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं अपन रैशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। रैशनल नंबर्स में कैसे टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स मतलब कौन सा फॉर्म है, p/q का फॉर्म है, ठीक है। p/q अगर फॉर्म है तो उसमें दो पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब ऐसे एक्सपेंशन जिसके डेसिमल एक, मतलब जब लॉन्ग डिविजन करोगे तो एक पॉइंट के बाद डेसिमल रिमाइंडर जो है वो जीरो आ जाएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए, इसके एग्जांपल से समझो, एग्जांपल इसका लिया जाए, सपोज 10/4 है, ठीक है, या फिर 10/6 है, ऐसा कुछ, या फिर 10/2 ही, 10/2 तो 5 होता है, तो 5.0 मतलब ही 5 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऐसे टाइप के डेसिमल टर्मिनेटिंग है, मतलब पॉइंट खत्म हो। सिमिलरली और सपोज मैं ऐसा कुछ ले लू 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 1.5, तो डेसिमल एक पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है। सपोज 16/ कितना लिखा जाए, 16/3 भी नहीं, 5 लेके देखते हैं। तो 16/5 अगर लोगे तो 5 3 15 और 1 5 2 10, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक सिंपल सा टाइप है, इसको डिफाइन करके लिख भी सकते हो, मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। दोस टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स, दोस टाइप ऑफ नंबर्स विद हुज डेसिमल एंड्स, ऐसा करके लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी करके लिख सकते हो, दोस टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स विच ऑन लॉन्ग डिविजन गिव रिमाइंडर जीरो एट द एंड, ठीक है। जिनका रिमाइंडर जीरो आ रहा है लास्ट में, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस इतना याद रखना है, डेसिमल जो है यहाँ पे पॉइंट जो है, इसके बाद जितना भी आ जाए, जैसे कि 3.243 यहाँ पे आके खत्म हो गए, ठीक है। तो ये एक डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सपोज 7.294 3 2, ऐसा कुछ, 2 पे आके खत्म हो गए, तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसके आगे और डेसिमल्स कंटिन्यू नहीं हो रहे। तो एग्जांपल में कुछ भी अपने केसेस के हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड, रैशनल नंबर्स में और भी अलग टाइप के होते हैं, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब जो कभी खत्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो ये सेकंड टाइप ऑफ एक्सपेंशंस है रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे चलते जाएगा। रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। होपफुली सबको याद ही होगा, प्रीवियस स्टैंडर्ड में किया ही होगा। तो रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, इस टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर 1/3 को अगर लॉन्ग डिविजन करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो इसे 0.333333 ऐसे आते जाएगा। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं 0.3 बार से। इस बार का मतलब क्या है, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर मैंने बार डाला है, ठीक है। जो भी डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर मैंने बार डाला है, तो बार का मतलब वो डिजिट रिपीट हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब डेसिमल एक्सपेंशन है। तो 1/3 भी एक रैशनल नंबर ये देखा जाए तो, और 1/3 की वैल्यू अगर डेसिमल में लिखोगे तो इस तरीके से आएगी,
तो उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे बार से। ऐसे चीजों को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सपोज एक और एग्जाम्पल लिया जाए, चलो इसको 1/7 को निकालते हैं, ठीक है। 1/7 कितना है देखते हैं, तो 7 1 7 तीन रिमाइंडर बचा, 7 4 28 दो रिमाइंडर बचा, 7 2 14 ठीक है 6 रिमाइंडर बचा, 7 is 56 4 रिमाइंडर बचा है, 7 5 35 5 रिमाइंडर बचा है, 7 7 49 1 रिमाइंडर बचा है, 7 1 7 3 रिमाइंडर बचा, ठीक है। समझ में आ रहा है, फुल मैं लॉन्ग डिवीजन ओनली कर रहा हूँ। 3 रिमाइंडर बचा, फिर 7 4 28 दो रिमाइंडर बचा, 7 2 14 8 5 7। तो देख सकते हो ये जो नंबर है इसमें डेसिमल के जो पॉइंट के आगे है, डेसिमल पॉइंट के आगे नंबर्स क्या हो रहे, रिपीट हो रहे, डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। लेकिन एक पूरा रैंडम, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि रैंडमली डिजिट रिपीट कर रहे हैं, एक सेट ऑफ डिजिट रिपीट कर रहे हैं आफ्टर वन पॉइंट, ठीक है। जैसे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.0.142857 पे बार आएगा, क्योंकि वही डिजिट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये 1/7 का एग्जाम्पल। तो ये होपफुली सबने किया ही होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक और याद होगा तो 9th स्टैंड में अपन एक और चीज पढ़ी थी, ठीक है, वो है कि अगर हमारे पास ये चीज दी है, ठीक है, 0.3 बार, तो इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। याद होगा तो मेथड टू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इंटू रैशनल नंबर, तो एक मेथड पढ़ी थी। तो इसको कैसे करोगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते चलो, ठीक है। सपोज उसने बोला कन्वर्ट 0.23 बार इंटू अ रैशनल नंबर, ठीक है। ऐसा टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे 9th स्टैंडर्ड में, अगर जिनको याद नहीं है 9th स्टैंडर्ड के नोट्स ये तो तुम्हारे पास होंगे, तो उससे रेफर कर सकते हो, टेक्स्ट बुक होते हैं उससे रेफर कर सकते हो, या फिर सिंपल से एक टॉपिक देख सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। तो 0.23 बार इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये क्या है, 0.23 सॉल्यूशन, 0.2333 ध्यान देना 3 के ऊपर बार है तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो मैं क्या मान लूंगा, सबसे पहले इस नंबर को मान लूंगा ये एक्स नंबर है 0.2333, तो फिर ऐसे लिख दो सीधा ही 0.23 बार। फिर क्या चेक करना है तुम्हें, कुछ मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, हर बार मल्टीप्लाई करते जाना है, कुछ 10 के पावर से मल्टीप्लाई करना है। अब कितने पावर से, 10^1, 10^2, 10^3, कौन से पावर से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो कैसे डिसाइड करना है। सबसे पहला स्टेप, जो भी डेसिमल पॉइंट है डेसिमल पॉइंट के राइट में एंड जहां पे बार है, जहां पे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उसके और इसके बीच में कितने डिजिट्स है वो देखो। तो देखो कितने डिजिट्स है, पॉइंट एंड बार के बीच में बस सिंगल 2 है, मतलब एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट है तो मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10^1। 1 क्यों, मतलब क्योंकि एक डिजिट है, हमेशा याद रखना डेसिमल पॉइंट और बार के बीच में कितने डिजिट्स। तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे तो 10 × x बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेसिमल इंटू 10, यहाँ पे लिख देता हूँ 0.23 बार इंटू 10। तो याद होगा 10 में अगर डेसिमल में कोई 10 नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ, तो ये बन जाएगा 2.3 बार, ठीक है। तो 10x बन जाएगा 2.3 बार, राइट। अब ये जो 2.3 बार है, जो भी 10x = 2.3 बार है, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 है, अब इससे स्टार्ट करें, लेकिन अपने इससे सॉल्व तो नहीं हो रहा है, 2.3 बार अभी भी आ रहा है, इसको रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर में हमको बनाना है, कन्वर्ट करना है। तो अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो बार है, जैसे कि ये जो बार है उसके अंडर कितने डिजिट्स है, जैसे कि ये बार देख रहा है 3 के ऊपर बार है, तो बार के नीचे कितने डिजिट्स है, एक ही डिजिट है, वो है डिजिट नंबर 3। जैसे कि इस बार में देखोगे तो एक ही डिजिट है 0.3, इस बार में देखोगे तो 6 डिजिट्स है, तो 6 डिजिट्स है 1 4 2 8 5 7, ऐसे 6 डिजिट्स है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स अंडर द बार होंगे वापिस से उतने टाइम्स, उतने पावर टाइम्स, 10^10 मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स। तो यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, ठीक है, यहाँ पे इधर पहले फर्स्ट स्टेप पे अपन ये चेक किया यहाँ पे, ठीक है 1। अब यहाँ पे कितने डिजिट है वो चेक करेंगे और उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10^1। यहाँ पे भी 1 था क्योंकि डेसिमल और बार के बीच में एक डिजिट था, और यहाँ पे 1 का मतलब क्या है कि बार के अंडर कितने डिजिट है। तो ये 2 स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है। कई बार इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जैसे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो देख सकते हो डेसिमल और बार के बीच में कोई डिजिट नहीं है, तो ये स्टेप खा सकते हो, मतलब
अवॉइड कर सकते हो। सिमिलरली इसमें भी कोई डिजिट नहीं है डेसिमल और बार के बीच में, तो फर्स्ट स्टेप को अवॉइड कर सकते हो, सीधा सेकंड स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 की पावर 1, तो क्या मिलेगा देखो, अगर 10x इंटू और भी 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 100x हो जाएगा, और यहाँ पे 2.3 बार इंटू 10, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान देना अभी 100x इज इक्वल टू, अब एक डेसिमल वापस से बढ़ जाएगा, तो सोचो 2.333 ऐसे जा रहा था, एक और आगे गया तो क्या बन जाएगा 23.333 ऐसे बन जाएगा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 23.3 बार, तो 23.3 बार, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन आ गए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करूंगा, तो सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन जैसे ही करेंगे तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 100x माइनस 10x, तो मिलेगा मुझे 90x, ठीक है, इज इक्वल टू, इस साइड भी देखोगे तो सोचो कि 23.33 बार, मतलब 23.3 बार, तो ऐसे 3333 ऐसे जा रहा है, और ऊपर में क्या है 2.33 बार है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सारे के सारे डेसिमल के बाद के नंबर सब कैंसिल, और बचे गया 23 माइनस 2, दैट विल बी इक्वल टू 21, हेंस एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू आएगी 21/90। हमने फ्रैक्शन में वैल्यू निकाल ली क्योंकि यहाँ पे 90 मल्टीप्लीकेशन में था, उधर भेजोगे तो डिविजन में आ जाएगा। अब 3 से ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 7 21, और 3 3 9 और 30, और इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, तो 7/30 अपना फाइनल आंसर है। तुम अगर इसको लॉन्ग डिविजन भी निकाल के चेक करोगे तो तुम्हारे पास 0.23333 करके ऐसे नंबर्स आएंगे। तो ऐसे टाइप कन्वर्ट करना अगर बोला कि रिकरिंग को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो, तो ये स्टेप प्रोसीजर याद रखो। तुम लोग एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से भी रिवाइज कर सकते हो, फिर ये भी देख सकते हो, इतना काफी, ठीक है। चलो इतना अच्छे से लिख लो, तुम लोग रिविजन की तरह लिख सकते हो अपने नोटबुक में कि डेसिमल एक्सपेंशन पहला फॉर रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डिफाइन जैसे मैंने किया वो लिखो, नॉन टर्मिनेटिंग डिफाइन जैसे मैंने किया वैसे लिखो। नॉन टर्मिनेटिंग में सेम चीज लिखनी है कि दोज नंबर्स विच हैव नेवर एंडिंग डेसिमल्स एंड सम डिजिट्स कीप रिपीटिंग आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसे लिख सकते हो, या फिर अपने एनसीईआरटी में डेफिनेशन दिया रहेगा। याद रखना, मैं जब मैथ्स पढ़ाता हूँ कंसेप्ट के पीछे समझो, कंसेप्ट समझना आना चाहिए सब, कंसेप्ट जब तक नहीं समझेगा तब तक कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे तो बेसिक जो कंसेप्ट है उसको समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिखो, फिर एक नया सेकेंड जो बताता हूँ इरेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ और बताता, ठीक है, पहले इतना अच्छे से लिख लो। चलो फिर सेकेंड टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, फॉर इरेशनल नंबर्स, ठीक है, सीधा इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स वापस से क्या होता है याद होगा, तो लास्ट क्लास में मैंने प्रूफ भी कराया था कि कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होगा तो उसका यूज कर सकते हैं। तो फॉर इरेशनल नंबर्स करके स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट। अब इरेशनल नंबर्स में जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है, जैसे कि इरेशनल नंबर्स आप देखोगे तो तुम्हारे पास याद होगा तो रूट टू एक होता है इरेशनल, 1.414 कुछ ऐसे कुछ वैल्यू आती है, 2.5 जो भी है डेसिमल एक्सपेंशन इतना देख सकते हो। रूट थ्री की वैल्यू 1.732 कुछ तो आती है। फिर सिमिलरली अगर पाई की वैल्यू निकालोगे तो 3.14153993 ऐसा कुछ है, चेक कर लेना एक बार, जो भी वैल्यूज है इस तरीके से कुछ वैल्यूज आती है, और ई की वैल्यू भी रहती है 2.718। ये सारे जो है ये सारे इरेशनल नंबर्स रहते थे, ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, कैसे टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें एक ही टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसमें कोई दो टाइप्स नहीं आते। सारे इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी खत्म नहीं होंगे, लेकिन खत्म नहीं होने का मतलब ये नहीं कि रिपीट हो रहे वही नंबर्स, नहीं, खत्म नहीं होने का मतलब कि वो नेवर एंडिंग है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहे, तो उसको मैं लिखूंगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी अगर तुम्हें दिखा कि कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है जिसके अंदर डेसिमल कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे बढ़ते ही जा रहे आगे, एंड कुछ पैटर्न ऑफ नंबर्स नहीं दिख रहा है, तो उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, या फिर इसको कन्वर्स भी बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस,
ठीक है। जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल मैंने जो लिखे हैं ये सारे क्या है, इसमें कोई भी नंबर में कोई भी पैटर्न कभी दिखेगा नहीं और ये नंबर हमेशा ऐसे जाते रहेंगे। जैसे कि तुमने फेमस पाई के बारे में सुना ही होगा, ठीक है, पाई जो नंबर है 3.14 है, कई किताबें तुम लोग शायद भी यूज भी किया होगा, पाई तो तुम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 कर लेते हैं, राइट। लेकिन याद रखना पाई और 22/7 एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली अपन इक्वल करते हैं 22/7। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कुछ 101 ट्रिलियन प्लेसेस से निकाली गई है, उसमें एक भी डिजिट जैसे रिपीटिंग नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू ऐसे कुछ जाती आगे जो भी आगे अगर देख लेना, और 22/7 अगर निकालोगे, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 3 21, ठीक है, 1 बचा, 7 1 7, 3 बचा, 7 4 28, 2 बचा, ठीक है, 7 2 14, ठीक है, अभी से गलती आने चलोगे, 7 2 14, 6, 7 8 56, ठीक है, 56 के बाद 4 7 5 35, ऐसे देख सकते हो ये नंबर क्या होगा, रिकरिंग आएगा, ठीक है, आगे भी जाओगे तो ऐसे रिकर करना चालू हो जाएगा। तो 22/7 की वैल्यू इस तरीके से रैशनल नंबर है, लेकिन पाई क्या है, इरैशनल। लेकिन अपन कैलकुलेशंस के लिए कई बार क्या करते हैं, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि 22/7 है, या फिर कई बार पाई को अपन 3.14 भी मान लेते हैं, कई बार 3.1 भी मान लेते हैं, कई बार 3 भी मान लेते हैं, जब कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, ज्यादा पॉइंट वाले डेसिमल नहीं चाहिए, तो ये सब काम यूज करते हैं। बट याद रखना है पाई एंड 22/7 दोनों अलग नंबर्स है, दोनों एक इरैशनल है तो एक रैशनल है, तो दो रैशनल और एक इरैशनल और एक इरैशनल नंबर्स कभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोलते हैं, ठीक है। तो ये है इरैशनल नंबर्स की कहानी, इनमें हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आएंगे, होपफुली सबको ये क्लियर है। तो एक फ्लोचार बनाया है लास्ट में डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग फर्स्ट, ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग में दूसरा, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो खत्म हो रहे हो और जो नहीं खत्म हो रहे, ठीक है। टर्मिनेटिंग में एक ही टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में दो और आते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो अब ये जो टाइप के नंबर्स है जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं, इनको बोलोगे, यहां पे नीचे लिख देता हूं, रैशनल नंबर्स, ठीक है, एक फ्लोचार्ट बना दो अच्छा से, नीचे लिखते हैं इसको रैशनल नंबर्स, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ऐसे टाइप के नंबर्स को बोलते हैं, क्या बोलोगे, इरैशनल नंबर्स, ठीक है। टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये वाला जो टॉपिक है, ये दो है इसमें, ठीक है, एक तो टर्मिनेटिंग ये है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, ऐसे कुछ यहां पे एरो बना, ऐसे बना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये क्या है, रैशनल, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होंगे, इरैशनल। एंड फाइनली इन दोनों नंबर्स को अगर मिक्स करके बोलोगे तो ये बन जाते हैं रियल नंबर्स, ठीक है, जो कि तुम्हारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट को अच्छे से बना के रखो अपने रूम में, ताकि तुम्हें को अच्छे से याद रहे कि क्या क्या ये सब चीजें थी, ठीक है। चलो इतना अच्छे से लिखो, फिर एक लास्ट चीज बात, कुछ थ्योरम्स बताता हूँ आज के लिए और फिर आज के लिए खत्म, ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से। तो फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट थ्योरम क्या है, सिंपल सा थ्योरम है, लेट x बी अ रैशनल नंबर हूज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। पहले मैंने थ्योरम लिख लिया है, बहुत सिंपल सा थ्योरम है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोग भी समझ जाओगे पढ़ते से। कोई एक x ऐसा एक रैशनल नंबर माना है, रैशनल माना है, ये रैशनल नंबर ऐसे मान लो हूज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा एक रैशनल नंबर लिया है, रिकरिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग वाला है, इसलिए रिकरिंग नहीं आएगा। तो देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, जैसे कि 4 एंड 9, ये दोनों क्या है, कोप्राइम्स है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिंपल सी बात है। सिमिलरली और इसके आगे क्या बोल रहे हैं, ये तो फिर सबको पता ही होगा, जैसे कि अगर 3/7 है,
तो 3 एंड 7 को प्राइम्स है। रैशनल नंबर का हमेशा ऊपर और नीचे के दोनों टर्म्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। अगर कोई कॉमन फैक्टर होता तो अपन उसे कैंसिल कर लेते हैं, जैसे इसके दोनों के बीच में 2 है तो इसको लिखेंगे 2/5, ठीक है। तो एंड द प्राइम फैक्टर आया है, आगे की बात करते हैं। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या होने वाला है, हमेशा 2 की पावर है ना और 5 की पावर n के फॉर्म में कुछ आएगा। ये 2 और 5 क्यों बोला मैंने, 3, 4 ऐसे नहीं आएंगे क्या? वो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जब डेसिमल को याद होगा तो हमारे पास 3.57 है, इसको अगर तुम फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या लिखते हो, 357/100। तो नीचे में जो नंबर आ रहा है वो आइदर 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, डिपेंडिंग ऑन द कितने डेसिमल्स है नीचे में, ठीक है। तो Q जो हमेशा होगा वो 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन में कुछ ना कुछ तो आएगा। अब 10 जो होता है, 100 जो होता है, उनके सारे जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो सब बस 2 एंड 5 ही रहता है, ठीक है। उसके अलावा 3 तो यहाँ पे नीचे आता नहीं, क्योंकि 5 × 10 होता है ना, सीधी बात है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 2 की पावर है ना 5 की पावर है ऐसे कुछ फॉर्म में आएंगे, जहां पे m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कौन कौन से, बेसिकली होल नंबर्स ही हो गए, क्योंकि नॉन नेगेटिव ऐसे इंटीजर्स जो कि नेगेटिव नहीं है। तो मतलब जो नेगेटिव नहीं है इसका मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 0 भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्या 0 पॉजिटिव है क्या? नहीं। क्या 0 नेगेटिव है क्या? नहीं। लेकिन 0 नॉन नेगेटिव है क्या? 0 नेगेटिव नहीं है, हाँ बिल्कुल 0 नेगेटिव नहीं है। 0 पॉजिटिव नहीं है, हाँ बिल्कुल 0 पॉजिटिव नहीं है। तो इसीलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में सारे, इसका मतलब यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो स्लैश होल नंबर्स। होल नंबर मतलब 0 के आगे जो भी नंबर्स आएंगे इंटीजर्स, 0, 1, 2, 3, 4 सारे आ सकते हैं। 0 कैसे आ सकता है, अगर एक 0 हो गया ये भी 0 हो गया तो पॉसिबल ही है, क्योंकि देखो सपोज ये 0 हो गया, 2 की पावर 0 गया और यहाँ पे 5 की पावर 1 आ रहा है, तो हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेते हैं पॉइंट कितना लिया जाए, 0.2 लेते हैं, ठीक है 0.2, 0.2 को क्या लिख सकते हो 2/10, और 2/10 को क्या लिख सकते हो 1/5। तो देखो नीचे एक डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है क्या? नहीं, बस 5 आ रहा है। सिमिलरली अगर 0.5 को देखोगे तो 0.5 जो होगा वो क्या होगा 5/10, और 5/10 को क्या लिख सकते हो 1/2। तो देखो डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है क्या? नहीं। सिंपल ऐसे 0 भी आ सकता है, और सिमिलरली दोनों भी 0 आ सकते हैं। अगर नंबर ही 23 ऐसा कुछ दिया है 23.0, तो नीचे में कुछ आएगा भी क्या? नहीं। Hence, m और n होल नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर हमेशा इस फॉर्म में आएगा। बहुत ही सिंपल सी कहानी कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तो p/q के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, एंड अगर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो q का जो डिनोमिनेटर है, जो q है, उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनकी पावर्स क्या रहेंगी, होल नंबर्स। सिंपल सा थ्योरम। जैसे कि क्वेश्चन अगर देखोगे तो अपने समझ में आ जाएगा होपफुली। देखो 23.3408 इज द फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, सबसे पहले 23 डेसिमल हटा के 3408, ठीक है। जैसे कि एक डेसिमल होता है तो 10, ठीक है, डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है तो 10, डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो 100, तीन डिजिट है तो 1000, चार डिजिट है तो 10,000। देखो हमेशा जितने नंबर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे 10 अगर नीचे में, उतने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। जैसे कि यहाँ पे दो डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे दो जीरो, यहाँ पे चार डेसिमल डिजिट थे, मतलब डेसिमल के बाद चार डिजिट थे, तो टोटल 4 जीरोस। इस तरीके से ये बन जाएगा पूरा नंबर, ठीक है। अब इनको फैक्टराइज कर सकते हो तुम चाहिए तो बैठ बैठ के अच्छे से, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों को फैक्टराइजेशन तो फिर सबको बता ही दिया होगा मैंने, तो सब देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, 2 2 1 2 1, ठीक है, एक बचा है 2 6 2 7, 2 0 2 4, 2 5 2 8, 2 3, फिर और कितना हो रहा है 2 5, 2 2, 2 2, ऑपिस टू जा रहा है 2 9, 2 1, 2 17, 7, और 2 6, ऑपिस टू आ रहा है 1 4 5 8 8, ऑपिस टू आ रहा है 7, कितना आ रहा है 7, 2 2, फिर 2 9, 2 4, ऑपिस टू 36, और ये कितना बन गया 4, और ये 7, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ ऐसे तो बन रहा है, जो भी इसके आगे कुछ बन रहा है देखते हैं। चलो तो ये कुछ नंबर का कुछ डिविजिबल बन रहा है क्या, 3 से जाएगा क्या, 3 से नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा,
7 से जाएगा 7 by 35, 7 जा रहा है 7 से, 7 5 से 35, 7 2 से 14 और 7 1 से 7, वापिस से 7 से कुछ जा रहा है 7 7 से 49 नहीं जा रहा, और कौन सा बचा 11 से कुछ जा रहा है 11 4 से 44 वो भी नहीं जाएगा, कौन सा बचेगा और कुछ फैक्टर्स बनना है तो बना देना इसके आगे जो जो भी है, मेरे ख्याल से फैक्टर्स नहीं बन रहे इसके, और 14 15 16 17 17 3 से 19 नहीं, इतने फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टर्स वो बन रहे भी बन रहे भी, जो भी बन रहे होंगे उनको लिख देना ठीक है। अभी क्या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 की पावर कितना है 1 2 3 4 5 6 पावर, 2 की पावर 6, 7 की पावर 1 और इसको 521 अगर फैक्टर जिसके और भी आ रहे हैं तो निकाल लेना, मैंने निकाला नहीं है, अगर हो रहे होंगे फैक्टर चेक करना प्राइम नंबर्स के हिसाब से ठीक है। और नीचे में क्या बनेगा देखो 1000 है, 10,000 भी लिख सकते हो, तो 10,000 टू 5,000 टू 2500 टू कितना हो गया 1250 टू 625 5 से जाएगा 125 5 25 5 5, तो ये क्या बन रहा है नीचे में 2 की पावर कितना जा रहा है 4 जा रहा है एंड 5 की पावर भी 4 जा रहा है ठीक है। बेसिकली 10 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 सीधा भी लिख सकते हो अगर जिनको फास्ट कैलकुलेशन करनी है ठीक है। फिर बचा के देखो 2 की पावर 4 और यहाँ पे 2 की पावर 6 है, तो 2 की पावर 2 बचेगा ठीक है, 2 की पावर 2 क्योंकि कैंसिल हो गया, 7 की पावर 1 521 और नीचे में 5 की पावर 4, तो इसको कैलकुलेशन करके पूरा निकाल भी सकते हो या फिर इतना भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हेंस इसको ये हमने क्या किया, डेसिमल एक्सपेंशन को रैशनल नंबर में एक्सप्रेस किया। होपफुली सबको ये अभी तक आता ही होगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में बाकी दो थ्योरम बचे हैं उनको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए कुछ एक दो क्वेश्चन देता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, दो तीन क्वेश्चन देखते हैं, होमवर्क वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उस पर कुछ होमवर्क मिल जाएगा तुम लोग को तो उस पर अच्छे से रेफर कर ठीक है। बाकी दो तीन थे दो थ्योरम शायद और बचे हैं, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे ठीक है। चलो अच्छे से इसको नोटबुक में अच्छे से पूरा लिखना, थ्योरम नंबर 1 इंपॉर्टेंट थ्योरम, नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले क्योंकि अगले जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी लिखाऊंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगा, वो तुम्हें नोटबुक में लिखने हैं ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हैव अ गुड डे, एंजॉय।